वेलकम टू सरमिस किचन। आज मैं बास्केट मेयोनीज चाट बनाने जा रही हूँ, तो उसके लिए मैं रेडीमेड बास्केट लेके आई हूँ। ये बाज़ार में मिलता है, कोई भी बेकरी शॉप में या फिर आपके जनरल स्टोर में भी मिल जाती है। तो ये बास्केट आती है, बोलने से बास्केट, जैसे हम लोग पापड़ी चाट खाते हैं वैसे बास्केट चाट वाले बोलने से वो दे देंगे। तो मैं ये एक पैकेट बास्केट चाट पापड़ी ली हूँ, और उसके लिए ली हूँ थोड़ा सा कॉर्न, एक कटोरी कॉर्न। इसको मैं थोड़ा सा हाफ मैं ये बॉईल कर ली हूँ कॉर्न, ये प्रिजर्वेटिव कॉर्न है। और ली हूँ थोड़ा सा टमाटर, टमाटर का अंदर वाला पूरा मैं हिस्सा निकाल दी हूँ, सिर्फ ऊपर वाला बाहरी हिस्सा ली हूँ। और ली हूँ आधा कैप्सिकम, इसको भी बहुत बारीकी से चॉप कर ली हूँ। टमाटर को भी बहुत बारीकी से चॉप की हूँ। और गाजर ली हूँ, गाजर को भी बहुत बारीकी से चॉप कर ली हूँ। और ली हूँ ये आलू, बॉईल कर ली हूँ, बॉईल करके इसको टुकड़ों में काट ली हूँ आलू को। और ली हूँ मेयोनीज, मेन इसका इंग्रेडिएंट है मेयोनीज। और ली हूँ थोड़ा सा चाट मसाला, चिल्ली फ्लेक्स, बटर। और ली हूँ थोड़ा सा हल्का सॉल्ट। आइए मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं कढ़ाई बैठा ली हूँ, इसमें मैं ऑलिव ऑयल ले रही हूँ। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं खाने वाला ऑयल, तो मैं जस्ट ऑलिव ऑयल एक चम्मच ले रही हूँ। इसको जस्ट हल्का सॉटे कर लूँगी, मैं इसको बॉयल नहीं करूँगी, हल्का ऑयल में सॉटे कर लूँगी। जैसे तेल हल्का गर्म होता है मैं इसको दे रही हूँ सब कॉर्न। और मैं ये इसको गाजर को और कैप्सिकम को थोड़ा हल्का सॉटे कर ले रही हूँ। ये कॉर्न दे रही हूँ, ये गाजर और ये कैप्सिकम, इसको मैं जस्ट हल्का थोड़ा सा हल्का सॉटे कर ले रही हूँ एक मिनट के लिए। थोड़ा सा नमक दे रही हूँ, हल्का, ज़्यादा नहीं दूंगी क्योंकि मेयोनीज में भी नमक रहेगा और इसमें आपकी चाट मसाला में भी नमक, इसीलिए एकदम पिंच ऑफ में नमक ले रही हूँ। हल्का मैं नमक दे रही हूँ, इसको भी जस्ट मिला ले रही हूँ नमक को। मेरा एक मिनट के लिए सॉटे हो गया है, जस्ट ये नमक को मिला के मैं ऑफ कर दे रही हूँ गैस को। ये मेरा नमक मिल जाए, मैं गैस फ्लेम को ऑफ कर दे रही हूँ। अब इसको एक बॉल में ट्रांसफर कर ले रही हूँ। ये देखिए मैं इसमें ढाल ली हूँ। अब ये जो टमाटर जो चॉप करके रखी थी ये दे दूंगी, ये आलू दे दूंगी। ये झटपट स्नैक्स है, घर पे कोई आ गए या फिर बच्चों को या किसी को भी अगर शाम को थोड़ा सा स्नैक्स देना हो आप इसको घर पे ही ऐसे तैयार कर लीजिए। ये हेल्दी भी है, आप इसको इजीली बना भी सकते हैं घर पे। अब मैं इसमें थोड़ा सा हल्का, थोड़ा सा हाफ, थोड़ा सा बटर दे दी हूँ। और ये मेयोनीज, ये वेज मेयोनीज है, मैं वेजिटेबल मेयोनीज आज ली हूँ, वेज मेयोनीज इसमें दे रही हूँ। अब मैं दूंगी ये आपके चिल्ली फ्लेक्स, ये चिल्ली फ्लेक्स थोड़ा सा दे दूंगी। अगर बच्चे खा रहे हैं तो स्किप कर सकते हैं, बट ये बच्चे खा सकते हैं क्योंकि बाज़ार में तो ऐसे चाट खाते ही हैं तो ये खा सकते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा चाट मसाला ये भी दे रही हूँ। ये देखिए मैं मिक्स कर ली हूँ। अब ये मैं बास्केट सबको भी सजा ली हूँ। अब इसमें एक एक करके मैं भर दूँगी। बास्केट चाट पूरा रेडी है। अब ये थोड़ा सा हल्का ऊपर से चाट मसाला ऐसे करके स्प्रिंकल कर दीजिए। और ये चिली फ्लेक्स थोड़े थोड़े दे दीजिए, इसमें सर्व कर दीजिए। ये सेपरेट लेके ऐसे करके सर्व कर दीजिए।
जी देखिए मेरा बास्केट मेयोनीज चाट रेडी है, आप इसको इस इवनिंग के स्नैक्स के तौर पे खा सकते हैं, ये बहुत हेल्दी भरा है। थैंक यू, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में रखे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए।